यहाँ पर आए हमारी म्यूजिक लॉन्च इवेंट पर। एंड लेट मी टेल यू कि ये जो है, आई एम श्योर आप लोगों ने सबने वीडियो देखा है क्या, पहले तो मुझे ये बताइए कैसे लगा आप सब लोगों को वीडियो। सो सीताराम जी, आपको पहला जो रिस्पॉन्स है कैसे लगा, सब लोग प्लीज बताइए सर को कैसे लगा आप लोगों को वीडियो, एक नंबर। सो देखो सर, पहला रिस्पॉन्स आपको यहाँ से तो मिल ही गया है, तो सबसे पहले मैं सर आपसे पूछना चाहूंगी, अगर थोड़ा बहुत इस वीडियो के बारे में बताएंगे, आपके एक्सपीरियंस के बारे में बताएंगे, कुछ भी सर। पहली बार तो श्रीराम जी को बहुत बड़ा कॉन्ग्रेचुलेशन, इनकी म्यूजिक कंपनी आइडिया बूस्टर्स इज कमिंग आउट विद दीज थ्री सॉन्ग्स, एंड मैंने अभी तीनों गाने देखे हैं, बहुत खूबसूरत शूट हुए हैं, लिरिकली बहुत अच्छे हैं, दे आर वेरी वेल शॉट, दे आर वेरी वेल संग, एंड इट्स लुकिंग वेरी नाइस, एंड आपने अच्छा एग्जॉटिक लोकेशन दुबई में कैप्चर किए हैं, एंड टू द सिंगर्स गिरी एंड हर्षल, कॉन्ग्रेचुलेशन टू देम बिकॉज दे हैव डन वेरी वेल, and I really enjoyed, and I think ye gaane aapke inshallah hit ho jayenge ekdam, they're looking very good, thank you. Okay, so now I think with the singers both Abhiji and yes please Harshit Chauhan, kehte hain ki you know ki jab khush hota hai na upar wala to aapko acha ghar deta hai, achi gaadi deta hai, achi biwi deta hai, you know achi life deta hai, lekin jab wo dil se khush hota hai na तो माँ सरस्वती का वरदान इंसान के आवाज में आता है, एंड यू नो उनको वो नसीब होता है, तो क्या कहना चाहेंगे सबसे पहले तो नसीब, अच्छा जो नसीब होता है, एक्सक्यूज मी, इसकी लुक वहां पे होना चाहिए, सवाल पे बिल्कुल बैठ, सवाल सुन के पहले फिर लुक वहां जाए आराम से, फिर हां फिर, और जब वो बहुत दिल से खुश होता है तो बहुत अच्छी आवाज देता है और किसी किसी को ही देता है, राइट, बिल्कुल बिल्कुल, तो क्या कहना चाहेंगे सबसे पहले तो अपने इन तीनों म्यूजिक वीडियोस के बारे में एंड आपका एक्सपीरियंस, एंड आई थिंक ये जो हमने देखा इतना खूबसूरत लगा, एंड आई एम श्योर कि आज की जो जनरेशन है सारी जनरेशन इससे काफी रिलेट कर पाएंगे, राइट। तो सबसे पहले आई वुड लाइक टू थैंक सीताराम सर, जो जिन्होंने ये अपॉर्चुनिटी दी, हम लोग बैठे थे, हमने उनको गाना सुनाया, एंड वी केम अप विद दिस कॉन्सेप्ट कि हम ऐसे इस तरीके से एग्जीक्यूट करेंगे, देन श्रवण केम अप विद द विजुअल्स, सो इट वॉज जस्ट अ वाइब, तो जैसे कि मैम ने बोला कि सरस्वती माँ के बारे में जो आप बात कर रहे थे, आवाज, तो आवाज के बारे में, आवाज तो इट्स अ ब्लेसिंग एंड वी आर रियली ग्रेटफुल, बट उससे बड़ी ब्लेसिंग ये है कि आसपास आपके अच्छे लोगों का होना, एंड बीइंग सराउंडेड विद सीताराम जी, आइडिया बूस्टर्स, हर्षित भाई, अरबाज सर, बट ऑफ कोर्स, सो इट्स अ ब्लेसिंग फॉर अस, और गाने का एक्सपीरियंस ऐसा रहा है कि आई मीन आप लोग गाना देखो पहले, और आप लोग ज्यादा बेटर बता सकते हैं कि कैसा दिख रहा है गाना, हमको तो बहुत मजा है, हर्षित भाई किल्ड इट, बट ऑफ कोर्स श्रवण किल्ड इट, श्रवण ने पूरा विजुअल इस तरीके से किया है कि इट शुड रियली लुक इंटरनेशनल, मतलब हम दुबई में, आई मीन आई डोंट नो, आई एम फॉलिंग शॉर्ट ऑफ वर्ड्स बिकॉज़ इट्स रियली गुड, थैंक यू टू श्रवण, थैंक यू टू हर्षित भाई, अरबाज सर, सीताराम सर, आइडिया बूस्टर्स, पीयूष, उर्वशी एंड एवरीबॉडी, हमने देखा कि तीनों गाने लॉन्च हुए, तीनों का अलग मोड है, एक में बेवफाई है, एक में रोमांस है, एक में डांसिंग नंबर्स है, तो किस तरह से प्लान किया था आपने इस एल्बम को लेकर? सर प्लानिंग ऐसा था कि ये लाइफ का सर्कल है सर, शुरू प्यार होता है, प्यार से शुरू हुआ, फिर बीच में थोड़ा बहुत अच्छे से चल रहा था, फिर एंड तो पता ही क्या है, दगा, पहले लास्ट में बेवफाई, लास्ट में बेवफाई तो फिक्स है, ये वो तो मतलब दैट इज हिस्ट्री, और बस सर कि इन सब का अभी लॉन्च है तो क्या कहना चाहेंगे, क्या ब्लेसिंग देना चाहेंगे? नहीं, ऑल द वेरी बेस्ट, दे वर्क वेरी हार्ड एंड बहुत अच्छा लगा, आई थिंक द म्यूजिक इज वेरी गुड एंड इट्स बीन पिक्चराइज्ड वेरी वेल, एंड ऑफ कोर्स यू नीड अ गुड प्रोड्यूसर टू बैक यू नो अ टैलेंट लाइक दिस, एंड ही इज डन अ फैबुलस जॉब, एंड आई एम श्योर दैट दिस सॉन्ग्स आर ऑल गोइंग टू बिकम वेरी वेरी बिग हिट एंड विल बिकम अ रेज, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, हमने सुना आप भी रैपर भी हैं, तो एज अ रैपर कब आपका सॉन्ग, आप भी रैपर हैं, इसके बारे में थोड़ा बताइए प्लीज, तो सुनाइए, नो इट्स अंडर प्रोसेस, आई एम एक्चुअली राइटिंग इट एंड स्टार्टिंग, जो कि धीरे धीरे जल्दी आप सबको दिखेगा कि कैसे आ रहे हैं, अभी फिलहाल हम इनके बारे में बात करते हैं, विल श्योरली टॉक अबाउट दैट एज वेल इन द नेक्स्ट इवेंट, या अरबाज सर एक सवाल आपसे है, फिल्म हो या नहीं, नहीं आपसे,
फिल्म हो या गाने हो, जहाँ पे इसी सवाल इस तरह से है, जब बेवफाई होती है दिल टूटता है या गाने हिट होते हैं, तो इस तरह के गाने बहुत हिट, यही है सवाल। नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, बिल्कुल नहीं जाऊंगा सर। तो आपको क्या लगता है कि दिल टूटना कितना जरूरी है, आपके अंदर वो पावर, वो ताकत आनी चाहिए कि ऑडियंस आपके तरफ खींचे चले आए? कहीं ना कहीं दुख दर्द में लोग बहुत आपसे लगाव करते हैं, मोहब्बत करते हैं, अट्रैक्ट होते हैं जब इस तरह के गाने बनते हैं। क्या कारण मानते हैं कि बहुत सक्सेसफुल होते हैं? गमगीन गाने बहुत सक्सेस होते हैं, गमगीन फिल्में बहुत सक्सेस होती है, टाइम ही नहीं देते। क्या कारण मानते हैं? अभी मैंने आपको छोड़ दिया, अभी आप जाइए। I think गाने हर मिजाज के अच्छे होते हैं। Celebration songs are there, the heartbreak songs, there are, you know, festive songs. So every song is good. And I think human beings go through a lot of emotions, and whatever it touches you works. So there is nothing that के एक particular emotion के ऊपर ही आप गाने बनाओगे तो ही चलेगा। So I think they've got a variety of emotions in this, you know, so it works on that level. बाकी Dubai very well, and I think that's great. Thank you so much. The future में हम आपको भी किसी music video में या filmों में act करते हुए perform करते हैं। मैं सोच रहा हूँ acting करें, थोड़ा शुरू कर देता हूँ। मैं acting सोच रहा हूँ आगे future में मैं थोड़ा acting करूँ। बहुत जरूरी है। और फिर picture भी produce करूँ, एक दबंग जैसी picture भी produce करूँ। बहुत जरूरी है, उस तरह का किरदार भी निभाया आपने। Very good, thank you. आपका award पक्का। हाँ भी आ रही है। हाँ तो उसका सेकंड सीजन आ रहा है, एंड सो अप्लॉज फिल्म्स का प्रोडक्शन है, एंड सो इट्स कमिंग, सेकंड सीजन इज कमिंग, लुकिंग फॉरवर्ड। आई थिंक दिस वीक ओनली इज कमिंग, सितंबर के फर्स्ट वीक में आना है। या सो वी वर्किंग ऑन इट या होपफुली सो। या थैंक यू, आपने इतने अच्छे सवाल बनाए, एक तो बनता है आपके साथ इंटरनेशनल सवाल पूछे। आपका तो हार्ट बहुत मजबूत लगता है, कम चांसेस है टूटने के। मैडम आपसे किस तरह का अनुभव रहा वीडियो की शूटिंग के दौरान, कुछ यादें कुछ शेयर करना चाहिए हमारे साथ? सबसे पहले तो थैंक यू गिरी, थैंक यू इंडिया बूस्टर्स फॉर हैविंग मी ऑन बोर्ड। और ये बहुत ही प्यारा एक्सपीरियंस था मेरे लिए, ये काम कम और पिकनिक ज़्यादा था। हमने बहुत मज़े किए हैं, हम घूमे फिरे, ऐसे लगा ही नहीं कि कोई शूट हो रहा है या कोई हेक्टिक, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो बहुत ही मज़े में शूट किए हमने। जिसमें मैं हूँ ऑफकोर्स, सो मुझे Billboard is my favorite because that's my, like, it's a dancing number और उसमें काफ़ी glamour है, दुबई दिखाया हुआ है, yacht पे है, तो मुझे बहुत ही मज़ा आया वो गाना शूट करने में। तो Billboard is my favorite song। उस वीडियो का थीम कुछ हमारे जो ऑडियंस नहीं जानते उनको कुछ बताना चाहेंगे, अब किस थीम पर है आपका वीडियो, क्या है? It's all glamour, काफ़ी अच्छा दुबई दिखाया हुआ है उसमें, और मैं बहुत अच्छी लग रही हूँ, तो मुझे देखिए वीडियो में। मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि पहली बात ये तो मेरा डेब्यू था, तो मैं काफ़ी नर्वस भी था एट द टाइम ऑफ द डायरेक्शन। बट श्रवण सर के अंदर मेरे को ऐसा लगा नहीं कि मैं कुछ एक्स्ट्रा कर रहा हूँ एफर्ट्स, उनका वे ऑफ टॉकिंग टू मी, कॉर्डियल रिलेशन
और उर्वशी का थोड़ा बहुत सपोर्ट मेरे को काफी अच्छा लगा, और बाकी तो सीताराम सर ने अपना कॉन्फिडेंस दिखाया मेरे लिए, वही मेरे लिए बहुत अच्छा है। कुछ गाने शूट करने करते गाने शूट, एंड सेकंड थिंग इज प्रेशर तो ऐसा कुछ ऐसा छूटा नहीं है, बिकॉज राइट नाउ just she said it was more like a picnic than a shoot. हम लोग 7 दिन के लिए बस मस्ती कर रहे थे, and we had a lot of fun shooting these songs. मुझे एक सेकंड के लिए फील नहीं हुआ that I'm shooting this song, and please welcome me. Without this guy, I think possible नहीं था हमारे लिए. He's the DOP for all three songs. Yeah. And I think पूरी टीम काफी कोऑपरेट कर रही थी, जैसे मैं सजेशन दे रही थी तो they were open to it, and हम मिलजुल के काम कर रहे थे, ऐसे नहीं कि जैसे बता दिया वैसे करो. That was more like a teamwork, like more like friends and all. I think it was a fun shoot. श्रवण और मेरा काफी टाइम से हम लोग 3 साल से काम कर रहे हैं साथ में, तो आई थिंक वी हैव अ गुड डीओपी डायरेक्टर कॉम्बिनेशन. एंड जैसा बोलते हैं कि एक डायरेक्टर और डीओपी का रिलेशन एक मियाबी के रिलेशन जैसा होता है, सो इट हैज टू बी वेरी अंडरस्टैंडिंग, दोनों के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए. और जैसे कि हम लोग गए तो वी डिडंट हैड टाइम फॉर रेकी, सो बिना रेकी के भी आई थिंक हम लोग ने मैक्सिमम लोकेशंस जो थी वो हम लोगों ने यूटिलाइज की, और वी ट्राइड आल्सो ट्राइड टू शूट द डेजर्ट. वी ट्राइड, या आई रिमेंबर द डेजर्ट. सो आई थिंक जितना भी दुबई का छोटा छोटा पार्ट है, आई थिंक वी हैव कवर्ड इट ऑल इन ऑल द थ्री सॉन्ग्स. ओके सर, थैंक यू. इंटरनेशनल सॉन्ग जो लॉन्च में आई है, क्या कहना चाहती है, किस तरह आप एसोसिएट हैं, प्लीज बताइए थोड़ा. I love the songs. Aija Booster and Sitaram ji ka ye jo combination hai, 3 super hit songs aaj dekhne ko mila, launch ho rahe hain. The super hit, aaj kal ke youth ko life mein jo chalta hai, ye heartbreaks hote hain, romance hota hai, and you know rap songs chahiye hota hai. Sitaram ji and Aija Booster know what the youth want. They have captured the hearts very well. I love them, and I'm here thanks to Christina. And I love the performance of Piyush Tiwari, who's launched in the songs, and even Giriji has done great rapping, even the actress, superb. I love the songs, the locations in Dubai are fantastic. Thank you. Thank you. हाय गाइस, तो बोल दूं मैं, ओके लव. हाँ, तो सीताराम प्रोड्यूसर है इस म्यूजिक वीडियो के, एंड आइडिया बूस्ट इज द कंपनी. मैं लेट हुआ हूँ तो मैं अभी आके देखने वाला हूँ कि क्या सॉन्ग्स है, कैसे है, क्या है. आई एम सुपर एक्साइटेड टू सी द सॉन्ग्स. पेपी डांस नंबर, मुझे लगता है कि यही है, ऐसे सॉन्ग्स है, लव म्यूजिक, लव सॉन्ग्स है जो है. I would love to watch the songs and see how it is. Music video के जरिए एक स्टार को कितना मौका मिलता है अपने कला को सामने जो हमारी ऑडियंस है उसको उन तक पहुंचाने के लिए. See, music video is the only platform where you can connect with the audience at the faster pace, because 3 minute के music videos होते हैं. If the song is good, song is peppy, तो लोग देखना पसंद करते हैं उसे. So I think music video is a very very good way to reach to the audience very faster. उनके दिलों में बस जाते हैं. Thank you so much. Guys, Maya is a very beautiful romantic song. जिंदगी में कुछ आए ना आए, रोमांस जो है ये जिंदगी और इंसान को जिंदा रखता है. तो मोस्टली गाने जितने भी रोमांस पे बनते हैं, रोमांटिक बनते हैं, वो लोग बहुत पसंद करते हैं. आपको भी ये गाना बहुत अच्छा लगेगा. ग्रीन ने बहुत अच्छा डायरेक्ट किया है बंदे ने. श्रवण ने किया, तुमने क्या किया? मैं साथ में था ये गाने में, बाकी दो गाने बनने थे.
तो ये बहुत अच्छी मतलब यंग टीम है, ये बहुत अच्छा प्रोडक्शंस करते हैं, बहुत अच्छे गाने की तरफ बढ़ते हैं। तो इन्होंने दुबई में बहुत प्यारा गाना शूट किया है, जो एक्टर एक्ट्रेसेस हैं उन्होंने बहुत अच्छी एक्टिंग की है गाने के अंदर। तो आप मीडिया का थोड़ा सपोर्ट मिले, रीजंस क्या है, आपके सपोर्ट से चीज़ें बहुत बेहतर बनती है, तो प्लीज सपोर्ट टू दिस सॉन्ग। कोई भी ऑडियो होता है ना, आप एक बार विजुलाइज करते हो तो आप उसको और बार बार देखना पसंद करते हो गाने को। तो विजुलाइजेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, सिर्फ आपको ऑडियो सुनाई जाए तो आप सभी लोग के अनुभवी है, इतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं होता। तो इन लोगों ने बहुत प्यारा वीडियो बनाया, बहुत अच्छी लोकेशन वहाँ पे शूट किए हैं, इनकी तारीफ बनती होती है। प्रोड्यूसर सर सीताराम सर इज हियर, देखो इनके तो नाम भी सीताराम है ना, अयोध्या सीताराम, ये आजकल वायरल है आज के टाइम चीजें, तो होप इनका गाना भी वायरल हो। आज सोशल मीडिया के दौर पर कहीं ना कहीं बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिलता है सभी यंग टैलेंट को अपना टैलेंट शोकेस करने के लिए, इसको आप किस तरह से देखते हैं? ये नई जनरेशन के लिए ना एक गोल्डन टाइम है, जैसे एक जमाना था 90s के टाइम में बहुत अच्छे गाने आए थे, उसके बाद में फिर एक स्ट्रगल रहा कर लोग टाइम लगा चीज़ों को सेटल होने में। ये नई जनरेशन के लिए इतने नए सिंगर्स आए हैं, कंपोजर, राइटर, एक्टर, आर्टिस्ट, तो मेरा मानना है कि मतलब जैसे सूरज अगर आता है तो बादल कितने भी हों लेकिन जमीन पर रोशनी ले आता है, आप में ऑनर है तो आप जरूर चमकोगे, आपको जरूरत नहीं है फिर किसी की। थैंक यू गाइस। And I'm representing here Studio One from Andheri West. We have collaborated for the DI and edit of this video album, and we are really thankful for the opportunity. And Wajid Khan sir, Naveed Datta sir, Samir sir, Ravi sir, we all wish you all the best for this video. Thank you so much. इतना बड़ा लॉन्च है, गिरी सर है, शिवम सर है, इतना मेहनत करके दुबई में गाना शूट किया है, ऊपर से यहाँ बॉम्बे में बहुत सारी चीजें चल रही है, मतलब कैसा फील कर रहा है तीन सॉन्ग के लॉन्च में आप आए हैं, गिरी जी आपके साथ थोड़ा सा बताइए। देखिए गिरी जी इज वेरी वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन एंड ही इज सच अ जेन्युइन पर्सन, वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन, एज आई नो कि आप दिन रात बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं अपने प्रोजेक्ट्स को लाने के लिए, एंड आपके गाने का नाम है बिलबोर्ड। Yes. मतलब वो बिलबोर्ड पे आना कौन नहीं चाहता है, मैं चाहता हूँ, राखी सावंत, ऐश्वर्या राय, सब लोग बिलबोर्ड पे आना चाहते हैं, बिलबोर्ड के बादशाह यहीं पर हैं। सो आई थिंक एवरीवन वांट्स टू बी ऑन बिलबोर्ड एंड यस आपका सॉन्ग मैंने देखा, इट वाज वेरी नाइस एज ऑलवेज, एंड आपका वर्क हार्ड ऑलवेज आई थिंक सब लोग प्रेज करते हैं। सर ये तो हो गया, इतनी मेहनत बहुत से लोग करते हैं, बट बहुत से लोग डिजर्विंग नहीं होते, मेहनत करके भी रिजल्ट मिलते हैं, अभी 80% लोग कह रहे हैं कि जो बिग बॉस ओटीटी के विनर है सना महमूद वो डिजर्विंग नहीं है, तो ईशान क्या कहना चाहते हैं कि उसके बारे में वो डिजर्विंग है नहीं है, ये जो अंदर कंट्रोवर्सी हो रही है एक दूसरे को मारा जा रहा है फैमिली शो में, उसके बारे में बताइए। देखिए सबका आई थिंक अपना अपना राय है और अपना अपना नजरिया है, फॉर मी सना मकबूल इज नॉट अ डिजर्विंग विनर, एंड ठीक है थोड़ी ग्लैमरस है, थोड़ी हॉट है, थोड़ी सिडक्टिव है, बट नॉट विनर। फॉर मी रणवीर शौरी जी एंड अरमान मलिक इज विनर, बिकॉज उन लोगों ने मेरे हिसाब से शो के अंदर बहुत ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है, बहुत ज्यादा कॉन्टेंट दिया है, लोग अगर उनकी दो पत्नियों को लेकर ना कमेंट करे और शो के अंदर उन्होंने कैसा खेला था अरमान मलिक ने, सो फॉर मी दैट मैटर्स मोर, एंड रणवीर शौरी जी ने बहुत ही इंटेलेक्चुअल तरीके से गेम खेला था, सो आई थिंक शो के अंदर किसका कितना कंट्रीब्यूशन है मैं उस तरीके से देखता हूं। सर कुछ सरप्राइजिंग हुआ बिग बॉस ओटीटी में, विशाल नाम के कंटेस्टेंट को थप्पड़ मारा गया, अगर ईशान उस जगह पे होता तो क्या रिएक्शन होता वो जनता जानना चाहती है। आप मुझे ये बताओ आपकी बीवी आपकी गर्लफ्रेंड को कोई छेड़ेगा तो आप क्या करोगे, चाटा मारोगे? मैं तो चाटा मारता, चाटे के साथ लात भी मारता और बाल फाड़ देता, वो अलग से, मेरी गर्लफ्रेंड को अगर कोई इस तरीके से देखता और इस तरीके का कमेंट करता। ओके सर आप क्या कहना चाहेंगे ईशान जी? भाई ईशान जी के बारे में, अरे ईशान जी तो इज द डार्लिंग, कंट्रोवर्सी का नाम आता है वहां, ईशान जी का नाम आ जाता है, ये तो भाई इज द किंग, ईशान भाई इज द कंट्रोवर्सी किंग, ऐसा नहीं बोलना चाहिए मुझे, बट क्या है भाई, मैं आपको बताता हूं, भाई है ना, भाई इज अ रियल पर्सन, जो है वो स्ट्रेट है, स्ट्रेट आई मीन स्ट्रेट अप है, फेस पर है, वो कभी पीछे अलग नहीं, उनकी जो रियलिटी वो हमेशा स्क्रीन पर दिखाते हैं, That is the reason people love him. उतना प्यार मिलता है और मेरा ये मेरी इच्छा है कि अगला सीजन बिग बॉस का ईशान भाई होने चाहिए, because भाई जो entertainment देंगे ना वो अभी तक हमने देखा नहीं है, so वो चीज दिखेगी, thank you so much, glamour दिखेगा, boldness दिखेगा, लड़ाई दिखेंगी, झगड़े दिखेंगे, प्यार दिखेगा, smooth scene भी देखने को मिल सकता है guys, भाई
Thank you so much for your song, Mahi. Yeah, yeah.